चलिए बढ़ते आगे इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दरअसल कई दिग्गज इस दौरान अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रैली करेंगे। इसके अलावा खड़गे वसई पालघर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। चूंकि आज शाम को चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा, 20 नवंबर को मतदान होना है, तो ऐसे में चुनावी प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा। कई दिग्गज अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसके चलते मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे और वसई पालघर में ये चुनावी रैली होगी, जिसको साधते हुए नजर आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है, 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रैली करने पहुंचेंगे महाराष्ट्र में वसई पालघर में और इस दौरान जनता को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और ऐसे में कांग्रेस लगातार एक्टिव नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए। प्रदीप जी, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में झारखंड में मतदान होना है। झारखंड में हालांकि दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में पहले चरण में ही सभी सीटों के लेकर के वोटिंग होगी। महाराष्ट्र का रण संभालने के लिए अब कांग्रेस पूरी तरह से अपनी अंतिम ताकत को धार देने में लगी हुई है। जिस तरह से चुनाव अभी तक देखने को मिल रहा था, बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे, कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव प्रचार लगातार जारी था, आज शाम को चुनावी प्रचार का शोर चूंकि थमेगा, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये आखिरी कोशिश करते हुए महाराष्ट्र में नजर आएंगे जब जनता उनके पक्ष में आ जाए। देखिए, लगातार चुनावी मुकाबला चल रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी रण जिस तरीके से ताल ठोकते हुए दोनों तरफ से वार पलटवार हुए हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर एक बड़े मुकाबले में तब्दील हुआ है महाराष्ट्र का चुनावी मुकाबला और झारखंड के चुनावी मुकाबले में। दो चरण के मुकाबले में भी हमने देखा है कि लगातार वार पलटवार हुए और इस दौरान कई बड़े बयान रहे जो चर्चित हुए। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भी भेजे गए, आज जवाब देना है। अलग अलग बयान जिस तरीके से हुए हैं उसको लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई थी। इस बीच आज वसई पालघर में चुनावी रैली महाराष्ट्र में करने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये काफी महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट पर जिस तरीके से चुनावी खींचतान रही है, खासतौर से शिंदे गुट को लेकर ये सीट रही और बीजेपी को ये सीट जाएगी इसको लेकर खींचतान थी और उसके बाद उम्मीदवार की अदला बदली भी देखने को मिली, तो इसको साधने के लिए, इसके आसपास की सीटों को साधने के लिए यहाँ पर पालघर जो काफी चर्चित रहा था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब एक घटना हुई थी साधुओं के साथ और उसके बाद इसको बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए बीजेपी हमलावर नजर आई थी। तो यही वजह है कि इस पूरे क्षेत्र में एक विशेष तौर पर राजनीतिक मैसेज देने के लिए आज खड़गे चुनावी मैदान में वसई पालघर में चुनावी रैली करने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखें, राहुल गांधी आज दो जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुंबई में और रांची में, तो वो भी एक बड़ा हमला बोलेंगे। लेकिन अगर इसके इतर देखें तो महाराष्ट्र के चुनावी मुकाबले में जो कि वोटिंग का दिन होगा 20 नवंबर का और इसी दिन झारखंड के दूसरे चरण के लिए भी वोटिंग होगी, 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे, उससे पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मल्लिकार्जुन खड़गे वसई पालघर में चुनावी रैली करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं, कल भी उन्होंने जिस तरीके से अलग अलग जगह रैली की थी तब उन्होंने बड़े मुद्दे उठाए थे, चाहे वो संविधान बचाने की बात हो या फिर आरक्षण की लड़ाई की बात हो, इसको लेकर काफी आक्रामक मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे हैं और इसलिए आज उनके चुनावी भाषण पर अंतिम प्रचार खत्म होने से पहले तमाम नजरें रहने वाली हैं। प्रगति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के।